नमस्कार दोस्तों, जिंदगी में खत्म होने से कुछ नहीं होता है, बल्कि हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 12 मई दिन गुरुवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आकाश चंपू राशि पर बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज गुरुवार है, विष्णुवान का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय विष्णुवान लिखें, विष्णुवान आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 12 मई 2022 दिन गुरुवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र, पक्ष चल रहा है शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 5:32 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 7:02 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। अगर दोस्तों आज आपको शुभ कर करना चाहते हैं तो आप इस समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 10:02 से सुबह 10:56 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 6 और शुभ रंग है गुलाबी और हल्का हरा। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, आपकी शाम कई जज्बातों से घिरी रहेगी और इसलिए तनाव भी दे सकती है, लेकिन ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी खुशी आपकी निराशाओं के मुकाबले आपको ज्यादा आनंद देगी। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजना में रुकावट पैदा कर सकता है। शाम के समय कुछ हंसी खुशी वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें, आपका बेपना प्यार आपके प्रिय के लिए बेहद कीमती है। अगर आप किसी परिस्थिति से घबरा कर भागेंगे तो वह आपके पीछे हर निकट तरीके से आएगी। आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के लिए गहरी आत्मीयतापूर्ण बातों का सही समय है। अगर आज कुछ ज्यादा करने को नहीं है तो किसी लाइब्रेरी में समय बिताना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। साथ ही साथ आपको बताएं, दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएंगी। अपने जज्बात को बांधें नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। निवेश करना कई बार आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होता है। आज आपको यह बात समझ में आ सकती है क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। दिन के अंत में अचानक आई कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। आज के दिन अपने प्रिय की भावना को समझें, बेवजह की उलझनों से दूर होकर आज आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। आपको कुछ करने के लिए आपका जीवन साथी काफी कोशिश कर सकता है। अपने जीवन साथी के साथ एक कैंडल लाइट डिनर संभवतः आपकी हफ्ते भर की थकान को दूर कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आज का दिन आपके लिए ऊर्जा से भरा होगा, व्यापार से सफलता का सूत्र बनेगा, आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आएंगे जिससे आपका मन कुछ दुविधा युक्त रहेगा, वित्तीय स्थिति और खर्चे में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन होता रहेगा। आर्थिक दृष्टि से आपके लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा, आज मित्र या परिवार के सदस्यों के साथ भोजन का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आज आपका दिन अच्छा रहेगा, ऑफिस का काम रोज की तुलना में ज्यादा अच्छे से होगा, घर में सुख सुविधा का नया सामान खरीदने का भी योग बन रहा है। अब विवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, किसी जानकार से बात करने के बाद ही कोई नया काम हाथ में ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा और अच्छा भी है। साथ काम करने वाले लोग आपके लिए मददगार होंगे, वर्किंग लोगों के लिए पदोन्नति का योग बन रहा है, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। अपनी भावनाओं को प्रकट करने में ज्यादा देर ना लगाएं, इससे आप अपने रिश्ते में फिर से मजबूती ला पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहेगा, घरवालों के सहयोग से आज घरेलू कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे,
आपका साथी एक आदर्श जीवन साथी के रूप में आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो आज आप काफ़ी रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है। यदि आपके व्यवसाय में पिछले कुछ दिनों से कोई तनाव चल रहा था तो आज वह समाप्त होगा। आज आप ऑफिस के काम को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। जॉब स्विच करना चाहते हैं तो अच्छे ऑफर भी आपको मिल सकते हैं। साथ ही आपको बताएं, एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकते हैं। अपोजिट जेंडर वालों की मदद से आपको इस राशि में लाभ हो सकता है। कोई धार्मिक स्थल से जुड़ी यात्रा आपके लिए आनंददायक रहेगी। परिवार के साथ इन यात्राओं पर जाकर आपको आत्म शांति का अनुभव होगा। सिंगल लोगों की लाइफ में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। साथ काम करने वाले किसी व्यक्ति की भी आपको अट्रैक्शन बढ़ेगा। कुछ लोगों के चश्मे का नंबर भी कम हो सकता है। घर में किसी बुजुर्ग या माता पिता की सेहत को लेकर जरूर टेंशन हो सकती है। इंक्रीमेंट और प्रमोशन के योग बढ़ रहे हैं। अपना बिजनेस बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं या फिर कोई नया उद्योग भी आप शुरू कर सकते हैं। बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, आज आप अपने आप को कई बातों से घिरा हुआ महसूस कर सकते हैं। तनाव में वृद्धि होगी, चिड़चिड़ापन रहेगा और छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद भी होने की संभावना है। आपसे बहुत अधिक उम्मीदें की जाएंगी जिससे आप थोड़े खिजे हुए पर नाराज रह सकते हैं। छोटी सी गतिविधि भी आज गंभीर रूप से हिंसात्मक हो सकती है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें और अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि आपके द्वारा बोले गए शब्द किसी के दिल पर ठेस पहुंचा सकते हैं। साथ ही दोस्तों आज का दिन बहुत ही अनुकूल दिन है। अपनी वित्तीय स्थिति पर आपको ध्यान दें और अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आज बहुत निरर्थक भाग दौड़ करने के बाद भी आपको कुछ प्रतिफल प्राप्त नहीं होगा। दिल छोटा ना करें, क्रोध करने से आपको बचना चाहिए, इससे आपके मन को थोड़ी बहुत शांति मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज पारिवारिक वातावरण आज खुशनुमा बना रहेगा। साथ ही बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहेगा और पति पत्नी के बीच किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव व कानासुनी हो सकती है। और आप ध्यान दें तो जरा सी समझदारी के कारण पुनः वातावरण ठीक हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें, घर परिवार व्यवसाय संबंधी सभी कार्य में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और आपसी भावनात्मक संबंध भी मजबूत होंगे। परिवार के साथ मनोरंजन व डिनर के लिए जाना यादगार पलों में शामिल होगा। पति पत्नी के संबंधों में नजदीकी आएगी। बस आप आज उनसे जो भी कहें शांति व प्यार से कहें। साथ ही आपको बता दें, किसी प्रिय से आज मुलाकात पुरानी यादों को फिर से ताजा करेगी। दोस्तों आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहने वाला है। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपके भ्रम भय व पीड़ा की परिस्थिति उत्पन्न होने के आसार नजर आ रहे हैं। खान पान पर आज आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा, वरना पाचन क्रिया खराब हो सकती है, जिसके कारण पूरे दिन मन खराब रहेगा। स्वयं का ध्यान रखें और खुद को किसी भी तरह से मानसिक रूप से कमजोर ना होने दें। और अपने आप को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।